नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा, हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है अधिकरण कारक। कारक से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर उसे आप देख सकते हैं। प्रश्न है, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इस परिभाषा में अधिकरण कारक के प्रयोग के नियम छुपे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक है। तो क्रिया के होने का स्थान का जो सूचना देता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है और काल की सूचना देने वाला अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का यहाँ पर पहला नियम है स्थान सूचक अधिकरण कारक है। आइए से उदाहरण से समझते हैं। हिरण जंगल में रहता है तो हिरण का रहने का स्थान कहाँ है? तो जंगल में। क्या है अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो जंगल में अधिकरण कारक हुआ। होल्डर में बल्ब लगा दिया गया है तो बल्ब लगाने का स्थान कहाँ है? तो होल्डर में विभक्ति चिन्ह है तो होल्डर में अधिकरण कारक है। दीवार पर पोस्टर चिपकाना है तो कहाँ चिपकाना है? तो दीवार पर। यहाँ पर है विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक है, दीवार पर अधिकरण कारक है। पेड़ पर मत चढ़ो तो यहाँ पर पेड़ पर यहाँ पर अधिकरण कारक है। वह छत के ऊपर बैठी है तो बैठने का स्थान कहाँ है? तो छत के ऊपर अधिकरण कारक है। वीणा कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर यहाँ पर अधिकरण कारक है। सोनू घर के भीतर बैठा है तो बैठने का स्थान कहाँ है? तो घर और के भीतर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है तो घर के भीतर अधिकरण कारक है। दूसरा जो नियम है काल सूचक अधिकरण कारक है। इसे उदाहरण से समझते हैं। परीक्षा मार्च में होगी तो मार्च यहाँ पर काल सूचक शब्द है, में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है तो मार्च में हो जाएगा अधिकरण कारक। मैं शाम को आऊंगा तो शाम यहाँ काल सूचक शब्द है, को अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अधिकतर विद्यार्थी कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को समझते हैं, जबकि यहाँ पर काल सूचक जो होता है वह शब्द उसके साथ जब को विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो वह अधिकरण कारक का होता है। वह रात को आया है तो यहाँ पर रात को अधिकरण कारक है। ट्रेन 2 घंटे में पहुंचेगी तो 2 घंटे में यहाँ पर अधिकरण कारक है, यहाँ पर काल सूचक शब्द है। ट्रेन 8:15 पर खुलती है तो 8:15 पर यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। तीसरा है विभक्ति रहित अधिकरण कारक। कुछ ऐसे भी कारक होते हैं अधिकरण कारक है जहाँ पर विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति छुपा हुआ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं स्थान सूचक और काल सूचक अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, यहाँ भी में है, पर है, यहाँ पर है, के ऊपर है, के अंदर है, के भीतर है, ये सब अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। यहाँ भी देख रहे हैं में है, को भी अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तीसरा जो नियम देख रहे हैं विभक्ति रहित अधिकरण कारक, यहाँ पर कहीं विभक्ति चिन्ह नहीं है, प्रसर्ग नहीं लिखा हुआ है। राकेश अगले साल आएगा, तुम्हारे घर सोना बरसेगा, इस जगह पूर्ण शांति है, गांव गांव घूमने से कहाँ क्या मिलेगा, कहीं विभक्ति चिन्ह नहीं है। लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। यहाँ साल, यहाँ पर अधिकरण कारक है। साल का मतलब है कि साल में, राकेश अगले साल में आएगा, तो में यहाँ पर लोप हुआ है। तुम्हारे घर सोना बरसेगा यानी घर के साथ पर विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है तो यहाँ घर होगा अधिकरण कारक होगा। इस जगह पूर्ण शांति है मतलब है कि इस जगह पर पूर्ण शांति है तो यहाँ पर का लोप हुआ है तो जगह होगा यहाँ पर अधिकरण कारक। गांव गांव घूमने से क्या मिलेगा, तो गांव गांव का मतलब है इसके साथ जो है में विभक्ति चिन्ह है, गांव गांव में घूमने से क्या मिलेगा, तो में यहाँ पर जो है लोप हुआ है तो गांव गांव जगह घर ये साल विभक्ति रहित अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए कहाँ और कब प्रश्न करते हैं? स्थान सूचक जो अधिकरण कारक है वहां पर कहाँ प्रश्न करते हैं? तो हिरण कहाँ रहता है, तो जंगल में।
बल्ब कहाँ लगा दिया गया, तो होल्डर में, पोस्टर कहाँ चिपकाना है, तो दीवार पर, कहाँ मत चढ़ो, तो पेड़ पर, कहाँ बैठी है, तो छत के ऊपर, कहाँ प्रश्न करने से स्थान सूचक अधिकरण कारक का पता चलता है। काल सूचक अधिकरण कारक की पहचान के लिए कब प्रश्न करते हैं, परीक्षा मार्च में होगी, यहाँ कब होगी परीक्षा, तो मार्च में, मैं कब आऊंगा, तो शाम को, वह कब आया है, तो रात को, ट्रेन कब पहुंचेगी, तो 2 घंटे में, कब प्रश्न करने से काल सूचक अधिकरण कारक का पता चलता है। तो आज बस इतना ही, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। यदि हमारा वीडियो आपके हिंदी व्याकरण की समझ को इम्प्रूव करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। धन्यवाद।